आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। खास खबरों से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज भिवंडी शहर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है जिसकी खबर पूरे भिवंडी शहर में इस तरह से फैली है कि कोने कोने से जगह जगह से लोग उस एक्सीडेंट को देखने के लिए आ रहे हैं। हालांकि इस एक्सीडेंट में दो लोगों को बहुत बुरी तरह से मार लगी है, जख्मी हो गए, वो उन्हें निजी अस्पतालों में दाखिल कर दिया गया है। ये तो ऊपर वाले की बहुत बात मेहरबानी है कि उन लोगों को इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी उन लोगों की जानें बच गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार जो है पूरी तरह चपकी हो गई है और अंदर ड्राइवर का अगर हाथ देखेंगे तो स्टीयरिंग जो है वो पूरे उनके सीने तक दब गई थी। और आपको अगर नज़दीक से दिखाया जाए तो कुछ खून के धब्बे भी इनको नज़र आएंगे। यहाँ तक कि एक्सीडेंट के बाद लोग इसका अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि इसमें रहने वाले लोग बच नहीं पाते, लेकिन जिसको ऊपर वाला रखे उसे कौन रखे। इस तरह से हम आज इस वॉल पर पहुँच कर आपको ये बता रहे हैं कि भयानक हुआ है और इस एक्सीडेंट की वजह क्या है ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि देखिए अंदर का क्या हाल है। यहाँ पर पूरी तरह से गाड़ी डैमेज हो गई है और ये डैमेज होने के लिए देखिए आपको और एक बात बता दें कि गाड़ी आने का सिम्ट एक बाजू से है और ये इस गाड़ी का एक्सीडेंट जो हुआ है वो दूसरी जानब पहुँच रहा है। आपको हम और बता दें कि इस गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है वो इसी टाइप से हुआ है, लेकिन गाड़ी इतनी फास्ट थी कि उसको जो है स्टीयरिंग को संभालते उन्होंने ये जो दरख्त है यहाँ पर जो आपको दरख्त दिखाई दे रहा है ये दरख्त से उन्होंने गाड़ी को ला कर फेंक दिया। और इस वजह से देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी जो दरख्त है उसमें भी उसकी भी छालें निकल चुकी हैं। इस तरह से एक्सीडेंट के जो केसेस है वो भिवंडी में बढ़ते जा रहे हैं, इनको हमें रोकना होगा। और इन्हें रोकने की खास वजह हम आपको बता रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की खास वजह हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ। आप ये सोच रहे होंगे कि शायद ड्राइवर बहुत फास्ट चला रहा हो या उसके नीचे जो बाइक है वो चला रहा हो। बाइक वाले बिल्कुल यहाँ पर अपने आराम से बैठा हुआ था, अभी आपको फिलहाल वो बाइक नज़र नहीं आएगी, बाइक को लेकर जा चुके हैं वो लोग। लेकिन बाइक वाला यहाँ पर आराम से तसल्ली से अपनी गाड़ी पर बैठा हुआ था और कार जो है इस तरफ से आ रही थी, लेकिन अचानक जो है ये देखिए हम आपको ये वजह बता रहे हैं कि जो बीच रास्ते पे जो ये नाला है और ये नाले के ऊपर जो ये ब्रैकेट बना हुआ है इसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब वहाँ से फास्ट गाड़ी आती है और गाड़ी जब आते उनको ये नज़र आता है, ये ब्रेकर नज़र आता है, ये स्लैब नज़र आता है, तो इसे संभालने की कोशिश की जाती है। इसे संभालने की कोशिश करने में ही स्टीयरिंग घूम जाती है और इंसान को अपना जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। और बिगड़ने के बाद यहाँ पर पहला एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ पर काफ़ी कुछ इस बैरिकेड की वजह से एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो हमारी नगर पालिका को चाहिए कि जितने हद ये एरिया आता है उन्हें चाहिए कि वो इस जो स्लैब यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो खुला नाला है, उसका बंदोबस्त बहुत अच्छी तरीके से करें ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के एक्सीडेंट ना हो। हम आपको दिखा रहे हैं फिर एक बार कि किस तरह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सीडेंट होने की खास वजह जो है आपको बता रहे थे वो नाला है। अगर नगर पालिका इस पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले दिनों में और भी ऐसे एक्सीडेंट हो सकते हैं। फिलहाल जिन लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं वो लोग निजी अस्पताल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। ऊपर वाले की दुआ से उन लोगों दोनों की जानें बच चुकी है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देर रात तक आप घर से बाहर ना निकले, अपनी गाड़ियों को बहुत ही इत्मीनान के साथ चलाएं, सुकून के साथ चलाएं ताकि ऐसे एक्सीडेंट आपके साथ भी ना हो। मैं अपने कैमरे